हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बी एस सी स्टूडेंट। मैंने जो नया वाला यूट्यूब चैनल है यहां पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करना स्टार्ट किया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बता दी है जो कि रियल एनालिसिस की और बहुत बेसिक चीज़ें आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो IIT-JAM है यहाँ पर जाके मेरी पुरानी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ 1-1 फंक्शन पर हम कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास 1-1 है या नहीं। इससे पहले मैंने 1-1 फंक्शन की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, 1-1 होता है। आज मैं आपके सामने एक और ट्रिक बताने वाला हूं कि 1-1 फंक्शन को हम एक तरीके से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो क्या है वो देखिए स्वयं यहां पे। तो स्वयं हमारे पास यहां पे ये 1-1 फंक्शन की ट्रिक है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ हम ट्रेस करें और ग्राफ को अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचे तो वो एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो वो फंक्शन 1-1 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इच, मैं एक बार समझा देता हूं, इफ इच लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ फंक्शन एटमोस्ट 1 पॉइंट देन दिस फंक्शन विल बी 1-1। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो सुनिए यहाँ पे एक्स एक्सिस हम जानते हैं कि एक्स ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, सुनिए ई की पावर एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का होता है हमारे पास यहाँ पे, राइट। और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसको एक ही पॉइंट पे इसको क्या करेगी, कट करेगी, मतलब ये क्या होगा, 1-1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, एक पैराबोला होता है, और अगर हम यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, क्लियर है। इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 1-1 फंक्शन। तो इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था जो कि IIT-JAM पे आप जाके देख सकते हैं। सुनिया देखिए e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्विन e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट। इस टाइप का हमारे पास ग्राफ होता है और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दैट्स वाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। इसमें साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का जो हमारे पास वे होता है वो इस टाइप का होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो बहुत सारे पॉइंट पर ये इसको क्या, एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ 1-1, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। लॉग एक्स की बात करें तो इसमें लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास ऐसा होता है और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो इसको एक ही जगह कट करता है, मतलब ये हमारे पास 1-1 है। पर इसमें यहाँ पे हम लॉग मॉड एक्स की बात करें तो हमारे पास इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे ये क्या करता है, कट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, राइट। तो बहुत इजी तरीके से हम पता कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट इज 1-1, राइट। तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने अभी आपके सामने बताया था यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो हम जानते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है यहाँ पे और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ 1-1। इसमें हम एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट। मतलब ये यहाँ पे ओरिजिन से पास होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो एक पॉइंट पे ही कट करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करता है, दैट्स व्हाई दिस इज 1-1 फंक्शन, राइट। इसमें रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट, है ना। नीचे साइड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं एक्स को, राइट। तो दैट्स वाई हमारे पास ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, राइट, है ना। क्योंकि वाई इज इक्वल टू रूट एक्स हो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये एक्चुअली हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आएगा, नीचे नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, राइट। और वैसे भी नीचे भी होगा तो भी हमारे पास एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वही आएगा, राइट। और नन ऑफ दिस तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। तो इसमें ये हमारे पास 1-1 नहीं है, ये हमारे पास 1-1 है, ये हमारे पास 1-1 है और ये तो नन ऑफ दिस तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट 1-1, कौन 1-1 नहीं है, राइट। तो इसमें टेन इनवर्स का हम ग्राफ देखते हैं, तो इसमें टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, इसमें टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट। ये यूं जाता है हमारे पास और ये हमारे पास यूं जाता है, क्लियर है। एक्चुअली गलत खींचा मैंने, है ना, ये यूं जाता है हमारे पास, राइट, है ना। सुनिए यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा, ये लाइन जो होती है -1 से 1 के बीच में होता है हमारे पास, राइट। तो सुन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगी, राइट। तो सुन ये टेन इनवर्स एक्स जो होता है ये 1-1 होता है, पर सुन टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है हमारे पास वो ऐसा होता है यहाँ पे, है ना, ये हमारे पास इस टाइप से होता है यहाँ पे, क्लियर। ये ऐसा होगा, फिर हमारे पास ये ऐसा होगा यहाँ पे, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा गलत कीजिए मैंने, है ना, क्लियर। सुनिए हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप ऐसा होता है हमारे पास,
क्लियर है। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन खींचते तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है ना, ये इस टाइप से हमारे पास इसका ग्राफ होता है, क्लियर है। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता, दैट्स व्हाई दिस इज, ये तो हमारे पास 1-1 होता है, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। आपसे पूछा जा रहा है कि नॉट 1-1, तो ये नॉट 1-1 है। इसमें कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास इस टाइप का होता है, राइट, है ना। सुन, ऐसा हमारे पास ग्राफ होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो बहुत सारे पॉइंट पर ये क्या करेगी, कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ 1-1। इसमें नन ऑफ दिस तो ठीक है, वो तो आएगा नहीं, राइट। तो इसमें बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट अ राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे बी और सी जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे 1-1 नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, कैसी लग रही है आपको शॉर्ट ट्रिक्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करते रहिए। और देखो, अल्टीमेटली आपका जो रेस्पॉन्स होता है ना वो मेरी वीडियोज़ के नंबर ऑफ वीडियोज़ के प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप अच्छा रेस्पॉन्स होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक दिन में एक वीडियो भी मैं अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। बस आप का रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, राइट। सो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर करते रहिए। और सुन, लास्ट में मेरे वीडियोस हैं, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, सुन ये मेरे शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।